नमस्कार एंड वेरी वॉम वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू ज़ार्ज ऑटोमोबाइल्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपके सवालों के और उनके लिए जो मेरे जवाब है उनके बारे में। आप में से काफ़ी लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं, मुझे लगता है कि इस साल जो रिमेनिंग टाइम बचा है उसके अंदर मैं लगातार आपके सारे क्वेश्चंस ही लेता रहूँगा। मेजॉरिटी ऑफ वीडियोज़ आपके क्वेश्चंस के आंसर के लिए रहेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग कोई व्हीकल परचेज करने के लिए अपनी राय बनाना चाह रहे हैं और कोई व्हीकल परचेज करना चाह रहे हैं क्योंकि काफ़ी अच्छी डील्स भी चल रही है मार्केट में इस समय। इसके अलावा डेफिनेटली जो टेक्निकल क्वेश्चंस जो मैं जनरली आंसर करता हूँ वो मैं करता ही रहूँगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत, मैं आपके क्वेश्चंस पढ़ता रहूँगा मेरे लैपटॉप पर और साथ साथ मैं आपको उनका जो भी जवाब रहता है वो आपके सामने पेश करता रहूंगा। पहला क्वेश्चन है आशीष जैन जी के द्वारा, जो कि कह रहे हैं प्लीज मेक ए कंपैरिजन वीडियो फॉर टियागो एनआरजी एंड ग्रैंड i10 नियोस, प्लीज गिव योर वर्डिक्ट व्हिच विल बी बेटर एंड मोर कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट। बेटर कौन है i10 नियोस और ग्रैंड और टियागो में से, टियागो एनआरजी में से, और ज़्यादा कन्वीनियंट कौन सा है, ज़्यादा एफिशिएंट कौन सा है? ये कुछ चीज़ें हैं जो आशीष जी ने पूछी है। इसके अलावा इन्होंने कोई और चीज़ अपनी रिक्वायरमेंट अलग से नहीं डाली है। तो एक जनरलाइज्ड, किसी इंसान को एक एफिशिएंट कन्वीनियंट गाड़ी चाहिए हो और चुनाव करना हो टियागो एनआरजी और ग्रैंड i10 नियोस के बीच में, तो आपको बता देता हूँ कि किन चीज़ों के ऊपर आपको चुनाव करना चाहिए। देखिए अगर बात करते हैं दोनों के इंजिन्स के बारे में, आपको ग्रैंड i10 के केस के अंदर पेट्रोल और डीजल में करीब 1.2 लीटर का इंजन मिल जाता है, लेकिन टियागो में क्या है, आपको पेट्रोल में तो 1.2 लीटर का इंजन मिलता है लेकिन डीजल में आपको 1.05 लीटर का ही मिलता है, तो वहाँ थोड़ी पावर आपको कम महसूस होती है। सेम चीज़ रिफ्लेक्ट करती है इनकी पावर और टॉर्क फिगर्स के अंदर भी, जहाँ पे पेट्रोल के अंदर तो कंपेरेबल रहते हैं लेकिन डीजल के अंदर आपको थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा i10 और नियोस और टियागो एनर्जी की पावर के अंदर, जहाँ पे 70 PS पावर आपको टियागो एनर्जी में मिलती है, 75 PS i10 नियोस के अंदर मिल जाती है। अब बात करते हैं इसकी इफिशियंसी के बारे में, क्योंकि आशीष जी ने भी इफिशियंसी के बारे में पूछा है, तो माइलेज वाइज इनका ऑलमोस्ट कंपेरेबल रहेगा, लेकिन एक थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है टियागो को, वो 2-3 KMPL आपको सिटी कंडीशंस में पेट्रोल में भी और डीजल में भी आपको ज़्यादा दे देगी, लेकिन बहुत बड़ा कोई माइलेज का फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि टियागो अपने आप में काफ़ी भारी गाड़ी है। तो इसका इंजन काफ़ी अच्छा है इन टर्म्स ऑफ इफिशियंसी है, लॉन्ग रन पे अभी काफ़ी टेस्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस माइलेज में नहीं देखने को मिलेगा, हल्का एडवांटेज मिलेगा टियागो के फेवर में। अगर हम बात करते हैं इनकी प्राइसेस के बारे में, तो थोड़ा एडवांटेज आपको मिलता है डेफिनेटली टियागो के केस के अंदर, क्योंकि अगर टियागो एनर्जी इस पर्टिकुलर वेरिएंट को कंपेयर करना हो किसी i10 नियोस के वेरिएंट के साथ, तो उसके हम कोई और वेरिएंट नहीं उठा के स्पोर्ट्स वेरिएंट उठाएंगे, तो i10 नियोस का आप स्पोर्ट्स वेरिएंट देखिए, उसके फीचर आपको कंपेरेबल मिलेंगे टियागो एनर्जी के फीचर्स के साथ। तो अगर इन दोनों वेरिएंट्स की प्राइसेस देखते हैं, तो आपको हर एक वेरिएंट के अंदर, अगर आप पेट्रोल खरीदते हैं आपको 65,000 का डिफरेंस मिल जाएगा दोनों के अंदर, अगर आप AMT खरीदते हैं तो उसके अंदर फिर से आपको 70,000 रुपये का डिफरेंस मिल जाएगा। टियागो सस्ती मिलती है, नियोस है वो थोड़ी महंगी पड़ेगी आपको, ऐसी डीजल के अंदर भी आपको करीब लाख रुपए का या फिर थोड़ा सा उससे ज़्यादा का, 10,000 रुपये करीब का डीजल महंगा पड़ेगा अगर आप स्पोर्ट्स वेरिएंट नियोस का खरीदते हैं। तो अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट के ऊपर कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेटर रहेगी, अगर आप डिसाइड करना चाहते हैं दोनों गाड़ियों में से ही तो कौन सी आपको खरीदनी चाहिए। दोस्त अगर आप टियागो एनआरजी खरीदते हैं, इसके अंदर आपको कॉस्ट एफिशिएंसी मैं आपको बता चुका हूँ, पैसा देखना है तो गो फॉर इट ब्लाइंडली, ये आपको सस्ती पड़ेगी इनकम पर, अगर वही फीचर आप दूसरी गाड़ी में लेते हैं तो आपको सस्ती पड़ती है, ज़्यादा स्पोर्टी है, एक्स्ट्रा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है आपको, 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी के साथ है जो कि कंपटीशन से ज़्यादा मिल रहा है आपको, स्किड प्लेट, बेटर माइलेज, 4 ट्वीटर्स भी मिल रहे हैं, तो 4 स्पीकर 4 ट्वीटर का कॉम्बिनेशन मिलता है, हरमन का अच्छा साउंड क्वालिटी आपको टियागो एनआरजी के साथ मिल जाता है। कुछ फीचर्स हैं जो इसके अंदर खास हैं, टाटा ने एक टियागो के ही सेपरेट वेरियंट की तरह निकाली हुई है, तो अगर वेरिएंट नहीं भी माने तो अलग प्रोडक्ट है डेफिनेटली, लेकिन इसे कोई और वेरिएंट्स नहीं आते, तो टियागो एनआरजी मींस टियागो एनआरजी ही, इसमें आपको कोई और वेरिएंट एनआरजी के वेरिएंट नहीं मिलेंगे। तो इसके अंदर अपने फ्रंट फॉग लैम्प, रियर डी फॉगर, कूल्ड ग्लव बॉक्स, आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटो फोल्ड, ORVMC फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे फायदे हैं नियोस के पास भी, तो नियोस भी आप डेफिनेटली जा सकते हैं। अगर आप 60-70 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि इसके बदले में क्या मिल रहा है आपको, देखिए कुछ बहुत अच्छे फायदे हैं नियोस के साथ, जैसे कि वारंटी ऑप्शन आपको 3 साल तक अनलिमिटेड किलोमीटर का इसके साथ मिलता है, ये आपको टियागो में सिर्फ 2 साल 75,000 किलोमीटर का ही मिलता है।
अगर आप बात करते हैं रियर पार्किंग कैमरा, ये सिर्फ नियोस में आएगा, आपको स्पोर्ट्स वेरियंट में आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको टियागो के अंदर आपको ये नहीं मिलेगा एनआरजी में। अगर आप बात करते हैं अलॉय व्हील्स की, तो टियागो एनआरजी के अंदर अलॉय जैसे व्हील्स दिखते हैं, उनको ड्यूरो अलॉय कहता है टाटा मोटर्स, लेकिन वो एक्चुअली में प्लास्टिक की एक प्लेट है जो कि लगी हुई है व्हील्स के ऊपर। तो इट अगर आपको लुक के वाइज चाहिए, लुक वाइज चाहिए, फील वाइज चाहिए, तो ये डेफिनेटली अच्छा रहेगा, लेकिन आपको असल में उतने ही मजबूत अलॉय व्हील्स चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा नियोस के ऊपर, नियोस स्पोर्ट्स के ऊपर, क्योंकि आपको वहाँ पे प्रॉपर अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। लास्टली फुली क्लाइमेट कंट्रोल एसी आपको मिलता है, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल जाता है आपको नियोस के साथ, टियागो एनआरजी में वो मैनुअल एसी ही मिल रहा है। तो अगर ये जो कुछ फ़ायदे मैंने नियोस के गिनाए हैं, ये आपके लिए चार पाँच चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप नियोस पे जाइए डेफिनेटली। लेकिन अगर आपको लगता है यार इन चीज़ों के लिए मुझे 50,000 रुपये से लेके 1,00,000 रुपये तक नहीं पे करना है, मैं वो एक्स्ट्रा कॉस्ट एडवांटेज नहीं चाहता, तो टियागो इज़ ए गुड कार, ट्राइड एंड टेस्टेड, आप डेफिनेटली टियागो पे जा सकते हैं। आई होप मैं आपके क्वेश्चन को आंसर करने में सक्षम रहा होऊंगा। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है कमेंट कीजिए और पूछ लीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, कमेंट करते रहिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, ताकि आपके सभी क्वेश्चन आंसर मैं कर सकूँ, आपके साथ जुड़ा रह सकूँ। सीखते रहिए, सिखाते रहिए। टेक केयर एंड जय हिंद।